हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं सर्वेश यादव, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। तो आज जैसा आपको मालूम है, अपन दंगल 4 के पेपर को डिस्कस करेंगे। फुल सिलेबस वाले पेपर आपके चल रहे हैं और बेटा आप जानते हो एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब बिल्कुल कूल होके आपको खेलना है, बिल्कुल एग्जाम टाइम आ चुका है, बिल्कुल कूल रहना है आपको। आपने जितने भी प्रिपरेशन की हैं, जो भी तैयारी की है, उसका पूरा फायदा उठाना है। तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट रहना होगा और बिल्कुल कूल माइंड से आपको रहना होगा, और एग्जाम में भी आपको कूल माइंड का यूज करना होगा विद योर कॉन्फिडेंस। ओके, तो अपन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 101। तो देखें क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, कॉन्सेप्चुअल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सम कैरेक्टर्स आर गिवन बिलो, विच कैरेक्टर आर फाउंड इन बोथ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। कुछ कैरेक्टर दिए हैं सामने, तो पूछा है कि कौन से कैरेक्टर हैं जो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों में क्या है, सेम है, दोनों में कॉमन है। तो कैरेक्टर पे चले अपन। देखो, वैस्कुलर टिश्यू दोनों में नहीं होता, ब्रायोफाइट जो है वो नॉन वैस्कुलर प्लांट है। प्रोटोनिमा दोनों में नहीं होती, ब्रायोफाइट में होती है, टेरिडोफाइट में नहीं मिलेगी। एम्ब्रियो दोनों में प्रेजेंट है। ओव्यूल जो है वो बेटा दोनों में ही नहीं होता ओव्यूल। आर्किगोनियम दोनों में है, एंथ्रीडियम दोनों में है। क्लियर। तो ऐसे आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बताओ कौन कौन से करेक्टर हैं जो दोनों में कॉमन है। तो सी ई एफ, देखो ये रहा आपका आंसर, सी ई एफ। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, आपको मालूम है करेक्टर बिल्कुल याद होने चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, करेक्टर वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के रेस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ओके, अब जिम्नोस्पर्म के स्टेटमेंट जब आ गए, आपको पता है जिम्नोस्पर्म जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आपके दिमाग में जिम्नोस्पर्म की पूरी बातें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, वो पूरी क्लियर हो जानी चाहिए, और तभी अपन क्वेश्चन पे टेक कर पाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ोगे आपके दिमाग में करेक्टर है ही नहीं, तो फिर इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देयर स्पोरोफाइट जनरेशन इज स्मॉलर देन गैमेटोफाइटिक एंड इट्स जनरली पैरासाइट। यही क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। उनकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो स्मॉलर देन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्मॉलर नहीं होती, गैमेटोफाइट जो है स्मॉलर है, स्पोरोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी है उनकी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा आपका, इनकरेक्ट। देयर गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट विच प्रोड्यूस स्पोर्स एंड ईच स्पोर गिव राइज टू न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ऐसा नहीं होता बेटा, जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है किसमें, जिम्नोस्पर्म में, कौन होती है उसके अंदर, पोलन ग्रेन बनेगा, गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है, इसके अलावा जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या बनेंगे, आपकी आर्किगोनियम वगैरह डेवलप होगी, इसके अलावा उसके अंदर एंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन से पूर्व, ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने बोला डोमिनेंट विच प्रोड्यूस स्पोर, तो स्पोर का फॉर्मेशन गैमेटोफाइट नहीं करता जिम्नोस्पर्म में, स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है वही क्या करेगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। ओके, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ए मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर ओनली टू आर्किगोनिया। देखो यही गड़बड़ हो गया बेटा। आप जानते हो जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, बताओ, एंडो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, एंडोस्पर्म जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। फिर इस एंडोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट मैंने बनाया, इसके अंदर फिर आर्किगोनिया डेवलप होती है, और आर्किगोनिया जो है उनका नंबर 2 or more होता है, 2 या 2 से ज्यादा, इसने बोला ओनली 2। ओके, यही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो इसको भी इनकरेक्ट करो। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड पोलन ट्यूब रिलीज द मेल गैमेट इन टू द ओव्यूल विच वेयर इट फ्यूज विद एग सेल इन आर्किगोनिया। बिल्कुल सही है, पोलन ग्रेन से पोलन गैमेट रिलीज होंगे, और जो ओव्यूल है उसके अंदर कौन है बेटा, एंडो स्पर्म, अभी बताया उसमें आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया में उनको रिलीज कर दिया जाएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट भी कौन सा बेटा आपका, यही होगा। ओके, चले नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। देखो बिल्कुल कूल होकर स्टेटमेंट रीड करना है बेटा, मैं कह रहा हूँ एग्जाम हॉल में जल्दीबाजी इतनी भी नहीं करनी है, इतना आपको स्लो भी नहीं रीड करना है, मतलब बिल्कुल कॉन्स्टेंट होके, ताकि आपके आपका माइंड जो है उनको रिटेन कर पाए अच्छे से कि गलत है या सही है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन,
जानते हो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, जो संकुचनशील ध्वनि है, उत्सर्जन में भाग लेती है। बिल्कुल क्या है बेटा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल उनको एंगल्फ करेंगे, जैसे फूड वैक्यूल होती है ना, कुछ प्रोटिस्टा में होती है, पैरामीशियम लाइक, तो वो एंगल्फ करेंगे और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये भी सही है। द सैप वैक्यूल इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, यही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया ये स्टेटमेंट, डबल मेम्ब्रेनस नहीं होती। सैप वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल, बिल्कुल सही है, 90% वॉल्यूम को क्या कर लेती है, घेर लेती है, तो ये भी सही है। अब आंसर पे जाओ, आप ऑप्शन सेलेक्ट करने, ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए भी जल्दीबाजी नहीं करनी है बेटा, ऑप्शन में भी कई बार डाउट हो जाता है कि कौन से ऑप्शन पे जाना है आपको। देखो थर्ड वाला गलत है, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट थर्ड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट दिए हैं आपको जो इनकरेक्ट है वो बताने कि कितने इनकरेक्ट हैं, चार स्टेटमेंट है उनमें इनकरेक्ट आपको बताने हैं। ओके बिल्कुल क्वेश्चन समझना है बेटा अच्छे से। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट, यहां क्या हो गया स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जो मीजोसोम होते हैं वो यूकैरियोट में नहीं होते, प्रोकैरियोट में होते हैं। बी स्वान कंक्लूडेड दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, तो ये बात स्वान ने बताई थी और उसने प्लांट सेल पे भी स्टडी की, उसने क्या बोला था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, बिल्कुल क्या है स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। यूकैरियोटिक सेल हैज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही बात है, ये यूकैरियोट का करेक्टर भी है सेल का, होता है ना, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है उनकी वजह से तो क्या है कंपार्टमेंटलाइजेशन है, किसमें यूकैरियोटिक सेल में। सारे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट चलो, यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं नीट के एग्जाम में भी। द प्रोकैरियोटिक सेल हैव क्लियर क्रोमोसोम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोन प्रोटीन, बेटा स्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में होती ही नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब बताओ पूछा क्या उसने, इनकरेक्ट पूछे हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने इसके अंदर, ये ए हो और डी दो है, तो आप आंसर कर दो इसमें थर्ड। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, आपकी एनसीईआरटी में जो प्लांट सेल वॉल है वहां पर सेल वॉल के फंक्शन दे रखे हैं, अच्छे से दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन हो गया। प्रोवाइड शेप, बिल्कुल सही है, फंक्शन है सेल वॉल का। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी, सुरक्षा प्रदान करती है और इन्फेक्शन से भी बचाती है, ये भी सही है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन लिखा है वहां पर, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रो मोलिक्यूल्स, जो मैक्रो मोलिक्यूल जो है अनडिजायरेबल है उनके लिए बैरियर का काम करेगी, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करेगी, तो ये भी फंक्शन दे रखा है, करेक्ट है। हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, यहां सेल वॉल का कोई रोल नहीं है, हाँ सेल टू सेल इंटरेक्शन में रोल है लेकिन सेल रिकॉग्निशन में इसका कोई रोल नहीं है, तो बताओ कौन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन पे जाओ, ओनली थर्ड ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो आंसर क्या करेंगे, पूछा गया नोट फंक्शन, तो ये तो क्या हो गया करेक्ट हो गया नोट फंक्शन, तो नोट फंक्शन में कौन से पे जाओगे, कौन सा आपका फिफ्थ वाला है, ओनली फिफ्थ, ये फंक्शन सेल वॉल का नहीं है, बाकी फंक्शन सेल वॉल के हैं। ओके नेक्स्ट, पैकाइटिन फेज ऑफ मियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पैकाइटिन जो है उसके अकॉर्डिंग उसने पूछ लिया क्वेश्चन, देखो पैकाइटिन फेज आते ही आपके दिमाग में पैकाइटिन की सारी कहानी आ जानी चाहिए जो आपने पढ़ा है। प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब फेजेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और उन सबके क्या है अलग अलग कैरेक्टर्स। पैकाइटिन में पहली बात कर रहे हैं लॉन्गर फेज देन द लेप्टोटीन, बिल्कुल सही है, पैकाइटिन जो है वो लॉन्गर है क्योंकि उसमें क्रॉसिंग और होता है, उसमें टाइम लगता है, तो बिल्कुल सही है। टेट्राड फॉर्मेशन स्टार्ट ना बेटा, पैकाइटिन में टेट्राड का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता, टेट्राड फॉर्मेशन कहाँ होता है, जाइगोटीन में होता है। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, बिल्कुल सही है, पैकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर हो जाते हैं, क्रोमोसोम पास पास आ गए और वो फिर नोड्यूल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नोड्यूल क्या होता है बेटा, जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा, तभी तो नाम दिया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जहां रिकॉम्बिनेशन होने वाला है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, गलत हो गया ये, सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज नहीं होता, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम, तो बताओ यहां पर। और सिनेप्सिस बोल गया, तो सिनेप्सिस भी इसमें नहीं होता, आप जानते हो सिनेप्सिस किसका करेक्टर है,
वो है जाइगोटिन का। तो पैकाइटिन के रेस्पेक्ट में बताओ कौन से करेक्टर है, देखो सामने है ए और सी, तो आप देखो ए सी कहाँ है, यहाँ पर आ गया आपका, पूछा यही है ना कैरेक्टर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका ए सी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्टेटमेंट है दो, आपको ये बताना ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, आपने रीड किया। ड्यूरिंग जी टू फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी प्रोटीन बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, जी टू फेज में, और सेल में ग्रोथ भी होती है, तो सेल में ग्रोथ तो बेटा जीवन में भी होती है, एस में भी होती है और जी टू में होती है, पूरी इंटरफेज में क्या होती है सेल ग्रोथ परफॉर्म होती है, सही है ट्रू है ये। द एनिमल कैन शो माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल, बिल्कुल सही है बेटा, क्या दे दिया एनिमल, एनिमल की बात कर रहे हैं, कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल, अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन जो है वो डिप्लोइड सेल में तो होता ही होता है, लेकिन जो एनिमल हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन हैप्लोइड सेल में भी होता है, लेकिन एक्सेप्शनली, सभी में नहीं होता, जैसे ड्रोन्स वगैरह होते हैं हनी बी के केस में, तो वहाँ पर हैप्लोइड सेल में डिवीजन होगा तभी तो ड्रोन जो है वो हैप्लोइड बनेंगे, तभी उनकी बॉडी क्या होगी डेवलप होगी। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए ट्रू हो गए, तो आंसर क्या करोगे आप, देखो ए और बी ट्रू और ट्रू, तो आंसर कर दो फर्स्ट। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें विच वन स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, ये आपको भी बेटा अच्छे से रीड करना है, इसने क्या पूछा है कौन सा रॉन्ग नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, मतलब आपको सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट आउट करना है। रीड करें, पहला स्टेटमेंट क्या है, इन पामेटली कंपाउंड लीव्स लीफलेट आर अटैच्ड टू ए कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैचेस, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा, पामेटली कंपाउंड जो लीफ है वहां पर याद है डायरेक्ट डायग्राम मॉर्फोलॉजी के पेटियोल, यहां पर जो लीफ है वो डायरेक्टली क्या होंगे बेटा, ये लीफ यहां पर डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो यहां पर रैचेस नाम की कोई चीज नहीं होती, गलत हो गया। ऑल डाइकोटिलेडन प्लांट्स पजेस रेटिकुलेट वेनेशन, गलत हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन जो है ठीक है डाइकोट का करेक्टर, लेकिन सभी में नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी प्रेजेंट है, मोस्टली में क्या होता है रेटिकुलेट होता है, तो ये भी गलत ये भी गलत। नेफेंथीज एंड विनस फ्लाई ट्रैप बोथ आर पिचर एंड इंसेक्टिवरस प्लांट, दोनों जो है इंसेक्टिवरस तो है लेकिन दोनों पिचर प्लांट नहीं है बेटा, दोनों पिचर प्लांट नहीं, पिचर प्लांट कौन होता है नेफेंथीज, देखो जो घटपर्णी है वो कौन है नेफेंथीज, उसकी स्ट्रक्चर आपने कभी पढ़ी होगी ना, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है, ये यहाँ पर एक पोर होता है, ये स्टेम के साथ बाइंड होगा, जो लीफ है वो कन्वर्ट होगी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं अपन पिचर, और इसके अंदर ये लिड प्रेजेंट है, जैसे ही इंसेक्ट की एंट्री होगी लिड क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी, उसके बाद ये इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, उसको फिर वो यूटिलाइज कर लेगा। तो जो वेनस फ्लाई ट्रैप है वो पिचर प्लांट नहीं है, वेनस ट्राई फ्लैप के अंदर क्या सिस्टम होता है क्लचर होता है, उसमें लीफ जो है क्लचर बनता है, जिसमें इंसेक्ट जाते ही वो क्लचर जो है क्लोज हो जाएगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। इन पी प्लांट लीफ लेट टेंड्रिल हेल्प इन क्लाइंबिंग, बिल्कुल सही है, जो पी प्लांट होते हैं उनमें लीफ लेट जो है मॉडिफिकेशन होता है जो क्लाइंबिंग में क्या करते हैं हेल्प करते हैं, तो आपने यही छांटना था कौन सा रॉन्ग नहीं है, फोर्थ चला जाएगा ठीक है। ए फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट, जानते हो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, फ्लावर कंप्लीट कब कहलाएगा, जब उसके अंदर चारों के चारों वर्ल जो है वो प्रेजेंट होंगे, सेपल भी होंगे पेटल भी होंगे एंड्रोसियम गाइनोसियम चारों प्रेजेंट होने चाहिए, तो ऑप्शन पे जाओ सीधे। ऑल फोर फ्लोरल वर्ल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, सारे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, इसमें एक भी अगर नहीं है तो वो होगा इनकम्प्लीट फ्लावर ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, बेटा यही क्या हो गया करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी ऑप्शन सारे देखेंगे अपन, क्यों करेक्ट है क्योंकि ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हो गया ऑर्गेनिक एंड मिनरल साथ में, तो फ्लोएम के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होगा, और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बेटा बाई डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल, ओनली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्रोसीड थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम, गलत हो गया, वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू जो है शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूजन रेट इज नॉट अफेक्टेड बाई ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, गलत हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करेगा, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा और जहां बहुत कम है तो रेट भी क्या होगी ज्यादा होगी फास्ट होगी।
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, गलत हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करेगी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, सेल के अंदर ही होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में उसका कोई रोल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, करेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो देखो, इमीडिएट कॉज इन चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, बिल्कुल सही है। जैसे ही उनमें चेंज आएगा गार्ड सेल की टर्जिडिटी में, तो उनमें क्या होगा, क्लोजिंग होगी। देखो स्टोमेटा, ये देखो स्टोमेटल ओपनिंग की बात कर रहे हैं ना, ये है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में जैसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो तुरंत गार्ड सेल जो है वो टर्जिड होंगी, टर्जिड होते ही जो है ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, करेक्ट है ये। तो रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल लॉजिक फाइबर फाइब्रिल्स और सेल वॉल गार्ड सेल मेक प्रोसेस इजियर, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जो गार्ड सेल, उनमें जो सेल वॉल होती है, जानते हो ना, उनमें सेल वॉल में जो थिकनिंग होती है वो इक्वल नहीं होती, जो इनर सेल वॉल है वो थिक है और जो इधर वाली सेल वॉल है वो कैसी होती है बेटा, थिन होती है। और सेल वॉल में जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेलुलोज जो फाइब्रिल्स हैं, उनमें रेडियल क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, ताकि उसकी ओपनिंग क्या रहे, इजी रहे। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आ गया एनसीईआरटी का। इट इज कंप्लीटली ए पैसिव प्रोसेस, नहीं होता बेटा, कंप्लीट पैसिव नहीं है। इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, एच प्लस के प्लस पंप थ्योरी याद है ना, एक्सप्लेन्ड बाई पोटेशियम पंप थ्योरी, आई गया। देखो बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर गटेशन। देखो गटेशन रूट प्रेशर, बिल्कुल क्या है, सही है, रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है। ट्रांसपिरेशन इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, जल की वाष्पिक हानि को ही क्या कहते हैं अपन, ट्रांसपिरेशन। इम्बाइबिशन एंडोथर्मिक नहीं होता इम्बाइबिशन बेटा, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। प्लाज्मोलाइसिस ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको मिसमैच सेलेक्ट करना है, तो थर्ड हो जाएगा। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी निर्जीव वस्तु उपापचय नहीं दर्शाती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब, नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। अगर आप कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवा रहे हो टेस्ट ट्यूब में, तो उस टेस्ट ट्यूब में जो एक्टिविटी चल रही है, मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है, जो रिएक्शन आपने परफॉर्म करवाई है, वो उसको ना तो तुम लिविंग कहोगे ना नॉन लिविंग। हाँ, ये लिविंग रिएक्शंस हैं, बट नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। अच्छा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से निकला है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए बेटा, यहाँ पर करेक्ट हो गए। तो यहाँ जाओ, बोथ स्टेटमेंट्स आर, ये रहा करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। ओके, आउट ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 बन रहे हैं, मान लो 38 भी बनते हैं कॉमनली, 38 36 वो सेटल सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरिएशन आता है। तो ये पूछ रहे हैं जो 36 है उनमें कैसे कैसे कहाँ बनते हैं, 2 आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 ड्यूरिंग द ईटीएस। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने बने हैं डायरेक्ट बेटा, 4, 2 का खर्चा हो गया, तो अपन बोलते हैं नेट गेन 2, और बाकी के जो एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं। 2 आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ग्लाइकोलाइसिस, ये कह रहा है आउटसाइड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। 2 आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। ये जो 2 है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में, और बाकी के जो एटीपी हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद ईटीएस चलेगा, उसके बाद में आपको टोटल एटीपी का क्या होगा, गेन होगा। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आपका सेकंड चला जाएगा, ऑल आर फॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ना, 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, 34 ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये होगा फिर, ठीक है, सेकंड आंसर। द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम, देखो ये डायग्राम आपने देख लिया है, देख चुके हो, ये लोकेशन दिखा रखी है, स्टेम है, रीजन दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी लेटरल पोजीशन पे मेंशन किया। तो आप ही बताओ बेटा ए क्या है, ए और बी क्या है, ये साम है सूट एपिकल मेरिस्टेम और ये राम है, और ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, और जो सी है वो लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं मोस्टली,
सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो ऑप्शन पे जाओ, ए प्राइमरी, बी प्राइमरी और जो सी है वो क्या होगा सेकेंडरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया, ए और बी किसको डिनोट कर रहे हैं यहां पर, राम और शाम को, और ये क्या होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, और सी क्या है लैटरल मेरिस्टेम, इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी हो जाएगा फिर। ओके, फ्रूट ड्रॉप इज प्रिवेंटेड इन अर्ली स्टेज बाई, अभी कह रहा है कि जो अर्ली स्टेज है मतलब पूर्वावस्था में फलों के गिरने को कौन रोकता है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, जो ऑक्सिन हार्मोन है वो अर्ली स्टेज में जो फ्रूट ड्रॉप है उसको रोकेगा, और लेट स्टेज जब फ्रूट राइपनिंग हो जाएगी उसके बाद में उनके गिरने को क्या कर देता है प्रमोट कर देता है। तो दोनों ही तरफ जो है ड्रॉप की बात कर रहा है, एक तरफ रोक रहा है एक तरफ प्रमोट कर रहा है, तो यहां पूछा क्या है अर्ली स्टेज में क्या करेगा उसको प्रिवेंट करेगा ड्रॉप को, तो कौन करेगा वो ऑक्सिन। ठीक है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस, इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में संश्लेषण में कौन सा एसेंशियल है, कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा, ये याद रखने पड़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आता है, कौन सा एफी, एफी के बिना क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा, एफी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल पार्ट तो नहीं है लेकिन उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसका स्ट्रक्चरल पार्ट तो कौन होता है मैग्नीशियम, लेकिन एफी की कमी अगर हो गई तो भी क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, सी थ्री प्लांट हैव बीन यूज्ड एज ग्रीन हाउस क्रॉप फॉर हाई यील्ड बिकॉज, सी थ्री प्लांट से अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा लेना है तो अपन ग्रीन हाउस डेवलप कर देते हैं, वहां पर CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन क्या होगा ज्यादा, क्योंकि जो सी थ्री प्लांट है उनके लिए एटमोस्फियर में जो CO2 कंसेंट्रेशन है आज के टाइम में वो क्या है सब ऑप्टिमम है, उनको और ज्यादा डिमांड है, तो वहां CO2 बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन पे जाएं, इसका रीजन क्या है, सी थ्री प्लांट सो CO2 सेचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, गलत हो गया बेटा, ये तो सी फोर प्लांट की है, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटेड फॉर द C3 प्लांट, यही हो गया, जो करंट अवेलेबिलिटी है वो C3 प्लांट के लिए क्या है लिमिटिंग है, तो उसका लेवल बढ़ेगा तो उनमें रेट भी इंक्रीज होगी फोटोसिंथेसिस की और प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी बढ़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी स्टेटमेंट देख लो, C3 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट ना, C4 प्लांट से एफिशिएंट नहीं होते, C3 प्लांट लॉस लेस वाटर एज कंपेयर टू C4 प्लांट, ना उल्टा हो गया, C4 प्लांट जो है वो लेस वाटर को लॉस करते हैं compared to the C3 plant, तो answer is second. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, EMP pathway किसको बोलते हैं बेटा अपन, glycolysis को, क्योंकि glycolysis को discover किसने किया था, Emden, Meyerhof and Parnas, तो उनके नाम पे नाम हो गया EMP pathway. Phosphoglyceraldehyde is changed into bisphosphoglyceric acid, बोले तो glycolysis की बात कर रहा है, तो याद करो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में PGL बनता है पहले, PGAL फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें 1,3-BPGA 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहां पर क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है, यहां पर देखो फॉस्फेट ऐड किया जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हो गया ना फॉस्फोराइलेशन, और साथ में यहां याद करो बेटा NAD+ convert into NADH2, तो यहां पर देखो NAD+ का तो हो गया reduction और PGL का हो गया oxidation, तो ये oxidative step हो गई, तो यहां पर क्या करोगे आप through, एक तो oxidation होगा और एक साथ में phosphorylation, अब बताओ option में कहां है phosphorylation and, ये नहीं होगा phosphorylation and oxidation, तो answer क्या होगा सेकेंड होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, इस स्टेप पे क्या होता है PGL का तो हो गया ऑक्सीडेशन, NAD+ का हो गया रिडक्शन और साथ में PGL का क्या हो गया फॉस्फोराइलेशन, तभी तो देखो एक फॉस्फेट और आ गई, तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, एल्डिहाइड से एसिड, बोले तो ऑक्सीडेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाई, पेटेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल याद रखना है आपको, डीनाइट्रिफिकेशन कौन करते हैं सुडोमोनास एंड थायो Bacillus. Which of the following gene expression regulation mechanism found in prokaryote but not in eukaryote? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑप्शन पे जाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो जो लैक ओपेरोन है वो प्रोकैरियोट में तो होता है लेकिन यूकैरियोट में लैक ओपेरोन नहीं होता, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इन प्लांट, पूछ गया बेटा
इन प्लांट, तो प्लांट में किसने प्रूव किया था, याद करो, वीसी या फाबा प्लांट काम में लिया था, किसने? टेलर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेलर। और अगर ये पूछता बैक्टीरिया, तो फिर आंसर जाता आपका मिजेलसन एंड स्टॉल। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको ये रीड करने अच्छे से, फिर वही क्वेश्चन आ गया, करेक्ट कौन से है, इनकरेक्ट कौन से है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन पे जाना है। इन इल्यूजन द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एग्रोजेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, बिल्कुल करेक्ट है, जैसे ही सेपरेशन हो जाएगा ये डीएनए बैंड आ गए, अपन क्या करेंगे फिर, वो जो डीएनए बैंड आए उसको जेल से कट करेंगे, उस पीस को कट करके उसमें से जो डीएनए मॉलिक्यूल उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन, बिल्कुल सही है ये, तो ये लो टिक कर देते हैं। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 हैव सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट्स, सही है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो सारी हो गई, ओरिसाइट भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ओरिसाइट एक ही होती है, एक ओरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड रोपजीन, रोपजीन भी प्रेजेंट होती है, तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, वेरी करेगी हर प्रोडक्ट के लिए, डीएसपी अलग अलग होती है। कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल टेक अप द प्लाज्मिड, बिल्कुल सही है, प्लाज्मिड को टेकअप करने के लिए पहले उसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, जैसे हीट सोक मेथड देंगे, कैल्शियम का यूज करेंगे, हीट सोक देते ही क्या होगा, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी में डिस्टर्बेंस आएगा और डीएनए एंटर हो जाएगा, तो भी ये तो सारे क्या हो गए, सही हो गए, तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन पे जाओ, ऑल आर करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट, देखे बेटा C4 प्लांट की बात कर रहा है, C4 प्लांट की लीव्स आप जानते हो, C4 प्लांट के लीफ आते हैं आपके दिमाग में क्या आया, क्रेंज एनाटॉमी, जिसमें मेसोफिल और बंडल सीट सेल प्रेजेंट होती है। ये पूछ रहा है मेलिक एसिड, तो उनमें मेलिक एसिड का फॉर्मेशन किसमें होता है, ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन, तो देखो याद करो, मेसोफिल सेल और ये बंडल सीथ सेल, तो CO2 आएगी, आपको ये पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो यहाँ पर क्या होगा, PEP रिसीव करेगा इसको, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OAA में, कौन है बेटा, मेसोफिल सेल है और ये बंडल सीथ सेल है, फिर OA कन्वर्ट हो जाएगा मेलिक एसिड में, तो इसने ये पूछा है कि मेलिक एसिड का सिंथेसिस किसमें होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेसोफिल सेल, ये रहा मेसोफिल सेल। Which structure is absolutely necessary for the many biological activity? बिल्कुल पैटेंट क्वेश्चन है, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगी तो बेटा देखो इस तरह से ऊन के गोले की तरह हो जाएगी और इस तरह से फोल्ड होगी वो अपने ऊपर ही, तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार की साइट्स बन जाती हैं, डोमेन्स बन जाते हैं जो इंट्रक्शन में हेल्प करते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होती है, तृतीयक संरचना। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, सामने के स्ट्रक्चर है, देखो स्ट्रक्चर पर सीधा टेक करो, एडेनिन आ गया, ये क्या है, राइबोज है और ये राइबोज शुगर के साथ एडिनिन को अटैच कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये एडिनोसिन हो गया, एक न्यूक्लियोसाइड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एडिनोसिन है, ये है नहीं डीऑक्सी राइबोज शुगर है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, फॉस्फेट इसमें है ही नहीं, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है, तो आंसर फर्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ओके, देखें, जायगोट आर यूनिवर्सली डिप्लोइड, जायगोट डिप्लोइड ही होते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, टू नहीं होगा, डिप्लोइड होगा। जायगोट फॉर्म एम्ब्रियो थ्रू माइटोसिस, जायगोट से जब भी एम्ब्रियो डेवलप होगा तो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन ही होंगे, सही है। गैमेट्स आर यूनिवर्सली हैप्लोइड, जानते हो आप, जेनेटिक्स में पढ़ा है, जो गैमेट्स हैं वो यूनिवर्सली हैप्लोइड होते हैं, गैमेट्स जो हैं वो हैप्लोइड होते हैं, कभी हाइब्रिड नहीं होते, हैप्लोइड फॉर्म में होंगे, क्योंकि गैमेट्स, याद है ना ये कॉन्सेप्ट, गैमेट्स कोई भी आप प्लांट सेल वगैरह में जाओ, गैमेट्स कैसे मिलेंगे आपको, एनिमल प्लांट हैप्लोइड, गैमेट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक सेल डिवीजन, मियोसिस से गैमेट्स डेवलप होते हैं, नो डाउट, अपने अंदर होते ही है, प्लांट्स में भी होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो हैप्लोइड डोमिनेंट फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें जो गैमेट बनते हैं वो माइटोसिस के थ्रू भी डेवलप होते हैं, तो इसने क्या बोला, ऑलवेज, तो ऑलवेज गलत हो जाएगा, माइटोसिस के थ्रू भी गैमेट्स बन जाते हैं, तो बताओ आंसर क्या होगा फिर, ये इनकरेक्ट हो गया, तो ABC सीधे जाओ, ABC आर करेक्ट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन द असेंडिंग ऑर्डर,
लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, लाइफ स्पान दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, ये देखो टॉर्टवाइज लगभग 150 साल, बनियान ट्री 200, फ्रूट फ्लाई जो है 1-2 वीक का होता है, रोज जो है लगभग कुछ ईयर का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो। असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बताओ किसका हो गया, बनियान ट्री यहाँ पर डी, और यहाँ से शुरू करें सबसे कम किसका हो गया बेटा, सी फ्रूट फ्लाई, देन रोज, देन ए टॉर्टवाइज एंड देन डी बोले तो आपका बनियान ट्री। ओके कर लोगे, बिल्कुल ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट, आंसर क्या होगा बेटा, पोलन्स, जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पोलन्स होते हैं उनका अपन यूज करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। द लेयर इन पोलन ग्रेन विच हैज जर्म पोर्स, बड़ा सिंपल हो गया, पोलन ग्रेन देखो बेटा ये इंटाइन है, ये बाहर कौन होती है, एग्जाइन जो स्पोरो पोलिन इनकी बनी होती है, इसके अंदर ये लार्ज सेल जो है ये वेजिटेटिव सेल है, ये कौन सी है जर्म सेल, और जो एग्जाइन उसके अंदर क्या होते हैं जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर सीधा जाएगा आपका एग्जाइन। क्लिस्टोगेमी रिफर टू द कंडीशन इन विच, क्लिस्टोगेमी पूछ रहा है, तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं जानते हो, जो कभी ओपन नहीं होते। ओके तो क्लिस्टोगेमी में क्या होगा, कभी भी पोलिनेटर्स की, परागकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती, तो कंडीशन इन विच, कंडीशन पूछ रहा है ना, पोलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये जाएगा फ्लोर आर अब्सेंट, गलत हो गया, फ्लोर तो होते हैं, फ्लोर आर ऑलवेज रिमेन ओपन, ना ओपन नहीं होते, फ्लोर आर गेमोपेटलस, तो ये कंडीशन इससे रिलेटेड है ही नहीं, वो तो कैसे भी हो लेकिन फ्लावर जो है कभी ओपन नहीं होंगे। लेकिन क्लिस्टोगेमी की कंडीशन पूछिए, तो क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या हो गया, उसमें पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें हमेशा क्या होता है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन। इफ देर इज ओनली पीएमसी, ओनली पीएमसी एक पोलन मदर सेल है, टू एन होती है पोलन मदर सेल, पोलन सेक में एक ही पोलन मदर सेल है, देन द टोटल नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय इट, मेल गैमेट कितने बनेंगे, देखो इसमें मियोसिस करवाओ तो आप जानते हो चार क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, और एक माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, और एक पोलन ग्रेन में जो मैचुरेशन हो जाएगा तो दो गैमेट होते हैं, तो बताओ बेटा दो 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 और दो, एक पोलन ग्रेन में कितने, टू मेल गैमेट, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फाइंड आउट द ओड वन विद रेस्पेक्ट ऑफ पैरासिटीज, में ओड वन को फाइंड आउट करना है, कस्कुटा पैरासाइट, लीवर फ्लूक पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये देखो फीमेल जो मॉस्किटो है ये ओड वन में जाएगी, क्योंकि प्रीडेशन का काम करती है, पैरासाइट तो कौन है प्लाज्मोडियम, तो ओड वन कौन सा हो गया, थर्ड वाला। सेक्सुअल डिसीट इज एम्प्लॉयड बाई, इकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, बड़ा सिंपल, सेक्सुअल डिसीट जो है वो किसमें देखने को मिलती है, ऑर्किड में। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंटेन ऑर्गेनिज्म विद नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, आपको वो बताना है जिनमें सेल वॉल जो है नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोज की बनी नहीं है, तो ऑब्वियसली मोनेरा भी होगा, मोनेरा में बैक्टीरिया जैसे पेप्टिडोग्लाइकन, फंगस में काइटिन नॉन सेलुलोजिक हो गई, प्रोटिस्टा नहीं जाएंगे, तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, बेटा कौन है ये, कुछ बैक्टीरिया है जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं, अभी आया था ना जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, ये सारे कौन है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, और ये किससे रिलेटेड है, ये किंगडम मोनेरा से। स्टेटमेंट है दो देखो, फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, जो फोटो पीरियड इफेक्ट होता है वो सीजनल जो ब्रीडर होते हैं, कुछ प्लांट है एनिमल्स हैं, उन दोनों को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जो सीजन के अकॉर्डिंग जो है ब्रीडिंग करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिव इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट हो गए, ये स्टेटमेंट निकालते हैं बेटा एज इट इज एनसीईआरटी से, आपका जो पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर व्हाट इज लिविंग में स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट देखने हैं बेटा, ऑथेंटिक स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग पूछ लेता है वो, तो ये बोथ स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 4th। एग्जार्क जाइलम जानते हो बेटा, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, सभी को पता है रूट की बात करें अपन, तो रूट में देखो रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये रहा रेडियल, देखो
हो गया रेडियल, ये फ्लोएम 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 फ्लोएम, और ये मैंने दिखाया है जाइलम। देखो ये जाइलम में टैपिंग एंड बाहर दिखाया है, क्योंकि ये कौन है, प्रोटोजाइलम है, और ये वाला है मेटाजाइलम। ओके, और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम जो है वो प्राइमरी जाइलम में डिफरेंशिएट होते हैं, सेकेंडरी में नहीं होते। तो इसने बोला एक्जार्क, कंडीशन मैंने बता दी। अब चलो फाउंड इन रूट, सही बात है, रूट में देख लो, रूट की टीएस में कैसे होते हैं जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, एक्जार्क कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा, मेटाजाइलम पिथ की ओर होगा, सही है। फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम, ना सेकेंडरी जाइलम में ये नहीं मिलेंगे। अकर्स इन रेडियल वेस्कुलर बंडल, देख लो ये वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, रेडियल हैं। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो बेटा एक ही है, बाकी करेक्ट है, तो आंसर करो आप थर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखें आप ऑप्शन कुछ दिए, करेक्ट चूज करने हैं आपको। ट्राइकोम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर हेयर ऑफ द सूट सिस्टम दैट प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही है। यूजुअली कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर, और ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसपिरेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे, इसका बेनिफिट हो गया। क्यूटिकल इज अब्सेंट इन रूट, बिल्कुल सही है, रूट में क्यूटिकल नहीं होती, क्यूटिकल जनरली लीफ में होती है, स्टेम में भी हो सकती है। द स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही है। मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, तो आपको तो आंसर अब क्या देना होगा, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेप दे रखे हैं, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा बेटा, आप खुद ही बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन करेंगे, ये आएगा सबसे पहले। फिर उस डीएनए को कट करो, किससे, आरी से, स्पेसिफिक लोकेशन पर, ये। उसके बाद में उस डीएनए को क्या करेंगे अपन, ये लो इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू, कट करके लाइगेट करेंगे, आरडीएनए बनाएंगे, उसके बाद में उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद में ये ऑप्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑप्टेन करेंगे, सीक्वेंस है ये लो। और लास्ट में क्या होता है, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसको प्योरीफाई कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देख लो आपका आंसर क्या जाएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, और सबसे एंड में क्या होना चाहिए बेटा, ए होना चाहिए। देखो सबसे एंड में ए, ये देखो बड़ा सिंपल हो जाता है, कई बार ऑप्शन डिजाइन करते हैं लेकिन बहुत ईजी कर देता है। तो ये लो आपका ए के ऑप्शन है, जिसमें सबसे एंड में क्या है, ए है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और हो गया, मैच कर लो इसको। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, बड़ा सिंपल है, मैच करना है। ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल जो आपको याद करने पड़ेंगे, आता है क्वेश्चन इससे। एल्केलॉइड सीधा मैच करो बेटा किससे, मोर्फिन से। टर्पिनोइड मोनोटर्पिन, ड्रग्स कौन सी, इसमें एक ही दे रखे, विनब्लास्टिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर दे रखा है। ओके, हो जाएगा मैच, बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर सेलेक्ट करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द गिवन फिगर, देखो फिगर क्या दे रखी है, पहले फिगर देख लो, ये साइक्लिक पाथ बता रखा है। देखो क्लोरोफिल ये कौन है बेटा, फोटोसिस्टम फर्स्ट आई से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और वापस से साइकिल बैक हो गया, लाइट आई, इसका मतलब ये साइक्लिक क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, वापस से साइकिल बैक हो जाएगा। और आप जानते हो साइक्लिक के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बट NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें वाटर की स्प्लिटिंग भी नहीं होती। अब ये करेक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में सब दिया है। अब चलते हैं इसके ऑप्शन पे, देखो दिस प्रोसेस अकर व्हेन लाइट वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्सटेंशन, सही है, क्योंकि फोटोसिस्टम फर्स्ट स्टेज में, और उसमें रिएक्शन सेंटर कौन होता है बेटा, P700, तो लाइट कितनी चाहिए, 680 से ज्यादा। ओके, दिस प्रोसेस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी नॉट ऑफ NADPH2, तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, एटीपी बनता है, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता। दिस प्रोसेस रिक्वायर टू मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये गलत हो गया बेटा, मैंने बताया अभी, इसमें H2O मॉलिक्यूल जो है उनकी स्प्लिटिंग नहीं होती। जल का अपघटन किसमें होता है, जो नॉन साइक्लिक होता है। ओके, तो ये आंसर ये हो गया आपका, पूछा क्या था उसने, देखो नॉट एप्लीकेबल, तो यहां पर एप्लीकेबल कौन सा नहीं है, यही नहीं है, ये देखो सही है, यूजुअली दिस प्रोसेस अकर्स इन थायलेकोइड व्हिच लैक NADP रिडक्टेज एंजाइम, तो ये भी सही हो जाएगा।
एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो है उसका कोई रोल भी नहीं है साइक्लिक में, तो जनरली वहां होता है जहां पर एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। जनरली स्ट्रोमा लैमेली में भी होता है, वहीं होगा। स्ट्रोमा लैमेली में साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक नहीं होता, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली में एनएडीपी रिडक्टेज एब्सेंट होता है। और जो थायलिकोइड है वहां पर भी हो सकता है कि एनएडीपी रिडक्टेज का एब्सेंट हो, वहां पर साइक्लिक परफॉर्म होगा, नॉन साइक्लिक परफॉर्म नहीं होगा। द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट, डायरेक्ट याद करने का बेटा, क्लोरेटिक वेन इज प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ, ये किसका सिम्टम है, ये टॉक्सिसिटी में एग्जाम्पल दे रखा है, और ये टॉक्सिसिटी किसकी है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी। एमआरएनए सीक्वेंस इज गिवन, देखो यहां पर एक सीक्वेंस दे रखा है आपको एमआरएनए का, ये रहा देखो कोडोन बना दे इसमें, ये कोडोन हो गया एयूजी सीसीजी यूयूयू जीयूजी। देखो ये इसलिए क्वेश्चन डाला है कि आपको कोडोन याद होने चाहिए, कौन सा कोडोन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सिंपल हो गया, वैसे भी आपको दो तीन भी अगर याद है तो अपना काम हो जाता है। अब बताओ ये दे रखे हैं टीआरएनए और उनके ऊपर अमीनो एसिड अटैच हैं, तो एयूजी किसको कोड करता है बेटा, सीधे जाओ ना आप, तो कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करो आप तुरंत ही। तो एयूजी मिथियोनिन को, तो ऑब्वियसली ये होगा जो सी वाला है वो सबसे पहले आएगा, देखो पहला कौन होगा, सी होगा, सी दो में दे रखा है, इन दोनों में आ गया। आगे देखते हैं, अब देखो चलो लास्ट वाले पे चले जाओ, सारे याद होने चाहिए तुम्हें। जी यू जी किसको कोड करता है, वेलिन को। यू यू किसको कोड करता है, फिनाइल एलिन को। तो दो तीन भी अगर याद है तो हो गया ना काम। तो ये लास्ट वाले पे कौन आएगा, वेलिन वाला ये है डी आएगा, ये देखो डी हो गया आपका। पहले वाले में कौन, ये सी फिर डी, और ये देख लो बी फिनाइल एलानिन, ये यहाँ पर आके अटैच होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ए बी डी हो गया ना। ये जो सी सी जी है ये किसको कोड करेगा, ये प्रोलिन को कोड करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इनको आप अरेंज कर सकते हो बड़े आराम से। विच इकोलॉजिकल पिरामिड नेवर अकर्स इन इन्वर्टेड फॉर्म, इंपॉर्टेंट है बेटा, जो पिरामिड्स हैं उनसे क्वेश्चन आता रहता है। जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा हर ट्रॉपिक लेवल पे कम होती जाती है। तो कैसा होगा, अपराइट, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सीरियल चेंजेज इन प्रीवियसली स्टेराइल और टोटल बैरेन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड, डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी उसको, क्या कहते हैं अपन, पूर्व बंजर क्षेत्र में क्रमिक परिवर्तन सम्मिलित रूप से कहे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, क्रमक बोले तो सिरे, ओके। ये डेटा है देखो, इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड, केवल कितनी है, भारत विश्व का 2.4% क्या है, स्थल है, लेकिन इसके अंदर जैव विविधता का जो कितना प्रतिशत भाग गहरे रखा है, ये डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, इकोलॉजिकल डेटा है, कितना है 8.1%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलियन स्पीसीज, एलियन जो बाहर से आई है बेटा, यहाँ की नहीं है, तो बाहर से कौन है, देखो ये पार्थिनियम, जानते हो पार्थिनियम ग्रास एलियन स्पीसीज है, जो गेहूं के साथ इंडिया में एंट्री हुई थी, और पार्थिनियम ग्रास जो है उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जिक भी होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। रॉन्गली मैच्ड पेयर बताएं, हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट श्रीलंका, बिल्कुल सही है। लंग्स ऑफ द प्लेनेट किसके कहा जाता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। एलियन स्पीसीज इकोर्निया भी क्या है, विदेशी स्पीसीज जो विदेश से इंडिया में आई है, इकोर्निया याद है ना, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। इन सीटू कंजर्वेशन एक्वेरियम, गलत हो गया बेटा, ये जो एक्वेरियम है उसमें आपने फिशेज को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तो ये इन सीटू नहीं हुआ, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में काउंट होगा। इन सीटू कहाँ होता है, जो एनिमल जो ऑर्गेनिज्म जहां है वहीं आप उनको क्या कर दो, कंजर्व कर दो, वो होता है इन सीटू, और एक्स सीटू उनको वहां से आप दूसरी जगह पे ले जाके कंजर्व कर रहे हो। तो बताओ ये किस में आएगा, एक्स सीटू में, और इसने बोला इन सीटू, तो यही मिसमैच पेयर हो गया, आंसर फोर्थ, ओके। प्रीडेशन परफॉर्म ऑल, जो प्रीडेशन होता है, जो परभक्षण होता है, उसके कुछ करेक्टर की बात कर रहे हैं, परफॉर्म ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, प्रीडेशन होगा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल, बिल्कुल सही है बेटा, जो प्रीडेटर होते हैं, सुना है ना आपने इकोलॉजी में सब लिखा है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, प्रीडेटर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही विवेकशील होते हैं, जो प्रे जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन का भी कंट्रोल करके रखते हैं, ओके, प्रूडेंट होते हैं ना, विवेकशील। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन ना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है प्रेडेशन से, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, उसको भी मेंटेन करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। कुकू एंड क्रो आर एग्जांपल ऑफ, पेटेंट क्वेश्चन है बेटा, सब याद है आपको, किसका एग्जांपल है, ब्रूड पैरासिटिज्म का, ओके, अंड परजीविता।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड. देखो रॉन्गली मैच्ड को आपको सेलेक्ट करना है. एक्टिवेटेड स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है. एक्टिवेटेड स्लज बिल्कुल सही है. गोबर गैस कंपोजिशन मीथेन प्लस CO2 सही है. बायोपेस्टिसाइड जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस जो है इसका उपयोग बायोपेस्टिसाइड के रूप में नहीं करते हैं, ये मिसमैच हो गया. डिटर्जेंट लाइपेज बिल्कुल आप जानते हो, लाइपेज जो है एज ए डिटर्जेंट काम में लेते हैं लॉन्ड्री वगैरह में, जो कपड़ों में तेल के धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने में. तो मिसमैच कौन सा हो गया यहाँ पर, थर्ड हो गया. स्टेटमेंट आ गए. अब देखो ये स्टेटमेंट तीन है, आपको सीधे बात करनी है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यही बता देते हैं अपन. एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस बायोगैस इनसाइड द स्लज डाइजेस्टर बिल्कुल सही है. उसमें जैसे ही आप मिथेनोजेंस वगैरह ऐड करोगे तो जो फ्लॉक्स हैं उनको वो डैमेज करेंगे, उनके बायोमास को कन्वर्ट कर देंगे, उनका यूटिलाइजेशन कर लेंगे, तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है. तो स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है. राइजोबियम इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन क्रॉप बिल्कुल सही है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट लाइक कंपोस्ट. ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन केमिकल फर्टिलाइजर काम नहीं लेते, क्या करते हैं जो कंपोस्ट है नेचुरली उनका फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं का उपयोग किया जाता है. तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया. तो आप सेलेक्ट आउट करो सारे क्या है बेटा, ये ट्रू है तो एक ही ऑप्शन है इसमें सेकंड वाला, तीनों क्या हो जाएंगे ट्रू. ये देखो दो स्टेटमेंट आ गए. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम. याद है ना बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, उसके अंदर काफी स्टेटमेंट दे रखे हैं. तो ट्राइकोडर्मा को बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम में लेते हैं. क्या ये फ्री लिविंग फंजाई है और ये कहाँ होता है कॉमनली, रूट इकोसिस्टम, रूट के आसपास ग्रो कर जाता है. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन. दोनों स्टेटमेंट दे दिए, दो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में इसके और दोनों ही क्या है करेक्ट स्टेटमेंट उठा लिए. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑल आर ट्रू फॉर ह्यूमस. ह्यूमस जानते हो बेटा, ह्यूमस के रेस्पेक्ट में बताओ. ट्रू फॉर ह्यूमस एक्सेप्ट कौन सा गलत हो जाएगा वो आपको सेलेक्ट करना है. इट इज रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट बिल्कुल सही है. कोलोइडल इन नेचर बिल्कुल सही है. डार्क कलर की होती है. अंडरगो फॉर डिकम्पोजिशन एट द एक्सट्रीमली फास्ट रेट. डिकम्पोजिशन इसका एक्सट्रीमली फास्ट रेट से नहीं होता, कंपेरेटिवली स्लो रेट से होता है. तो यही हो जाएगा आपका आंसर. हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल चौधरी, टीम जूलॉजी, CLC सीकर. हम अभी बेटा सोल्व करने जा रहे हैं दंगल 4 का जूलॉजी सेक्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जूलॉजी पार्ट में जो है वो दिया गया है. चूज द करेक्ट कोट. ठीक है, सही का चुनाव कीजिए. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसके बारे में कहा गया है, जिसमें हमारा टेस्टिस का डिस्कशन है. ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. हमारे प्रत्येक वर्षण में 250 वर्षण पालिकाएं होती हैं. जी बिल्कुल सही बात है. वर्षण जो होता है वो आंतरिक रूप से वर्षण पालिकाओं में विभक्त होता है और प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 वर्षण पालिकाएं होती हैं. सेकंड स्टेटमेंट है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय स्पर्मेटिड एंड लीडिक सेल्स. यहां पर कहा गया है कि जो प्रत्येक शुक्र जनन नलिका है वो पूर्व शुक्राणु तथा लीडिक कोशिकाओं के द्वारा आस्त्रित होती है. तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो लीडिक सेल्स हैं वो लीडिक सेल्स इंटरस्टीशियल स्पेस में पाई जाती हैं. अंतराली अवकाश में आपको जो है वो लीडिक कोशिकाएं देखने को मिलेंगी. हमारा शुक्र जनन नलिका जो है उसके भीतर आप जानते हैं सर्टोली कोशिकाएँ होती हैं और जर्म कोशिकाएँ होती हैं. सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर लीडिक सेल्स दे रखा है. सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स. सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो हमारी जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं. तो इस स्टेटमेंट के बारे में अगर कहा जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं. ऐसा ऑप्शन जिसमें लिखा गया है ए एंड सी आर करेक्ट, और वो ऑप्शन है आपका थर्ड. सो यहाँ पर चला जाता है आपका थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर भी हमसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा गया, जहाँ पर बोला गया है यूरिथ्रा ओपन्स एज एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरिथ्रल मीटस. मूत्र मार्ग का बाह्य छिद्र मूत्राशय मुख्य रूप में बाहर खुलता है. यानी यूरिथ्रा जो होता है बेटा
उस यूरिथ्रा की अगर हम बात करें मूत्र मार्ग की, तो मूत्र मार्ग जो होता है वो मूत्र छिद्र के रूप में जो है वो बाहर खुलता है, जिसे हम यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। सो स्टेटमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा बात करें, कवर ऑफ ग्लांस पेनिस बाई लूज स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। जो ग्लांस पेनिस है, उस ग्लांस पेनिस का जो त्वचा द्वारा या त्वचा के ढीले वलनों द्वारा बनाया गया आवरण है, उसे हम फोर स्किन कहते हैं या प्रेप्यूस उसे हम कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर यही बात की गई है कि सीसन मुंड पर आवृत ढीली त्वचा फोर स्किन कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, इसे हम प्रेप्यूस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेप्यूस। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन इन नेरोवर पार्ट। यहां पर बोला गया है कि जो निषेचन है वो एम्पुला और इस्थमस संधि स्थल पर संकरे भाग में होता है। संकरे भाग में नहीं होता है, हमसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एम्पुला भाग दिया गया है तो एम्पुला भाग करेक्ट जाता है। अगर एम्पुला नहीं दिया है और हमसे कहता है कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन एम्पुला वाला भाग जो होता है वो चौड़ा भाग होता है, ना कि संकरा भाग। तो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात की जाती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये स्टेटमेंट आप जानते हैं संकरे भाग या नेरो पार्ट होने की वजह से गलत हो जाता है। सो आंसर चला जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, बोला क्या गया इसमें हमसे, खाली जगह जो है उसको फिल करना है, स्पेस को हमें फिल करना है। ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट, हम जानते हैं कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग ए कोइटस रिलीज होते हैं। बट यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में बोला गया है नॉर्मल फर्टिलिटी, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स जो हैं वो नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज के होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी। इनमें से 40% जो है उनके अंदर वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, गतिशीलता उनके अंदर होनी चाहिए। तो यहां पर 200 से 300 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर 60% का नॉर्मल शेप यानी निश्चित आकार और आकृति होनी चाहिए, और उनमें से जो 40% है वो 40% जो है उनमें तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कोई मैच करता है तो चेक करते हैं। चलिए, 200 से 300 मिलियन 40% गलत हो गया, 20 से 30 मिलियन गलत हो गया, 200 से 300 करोड़ गलत हो गया, 200 से 300 मिलियन 60% 40% सही हो गया। तो ऑप्शन चला जाता है कौन सा? फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक ग्राफ देकर पूछा गया है कि उस ग्राफ में आपको करेक्ट लेबलिंग जो है हॉर्मोन्स की वो सेलेक्ट करनी है। द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द फोर हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ ए वुमन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स। यानी ग्राफ में किसी महिला के आठवें चक्कर में रुधिर में उपस्थित हॉर्मोन की सांद्रता को प्रदर्शित किया गया, इन हॉर्मोन्स का क्या नाम है? तो यहाँ पर सबसे पहले ए दिया गया है, तो ए की बात की जाए तो ए FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। और FSH के रेस्पॉन्स में आप जानते हैं कि जो फोलिकल्स होती हैं वो फोलिकल्स पुट्टिकाएं जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, और उसके पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका संश्लेषण शुरू हो जाता है। तो एस्ट्रोजन आ जाता है बी में। सी की बात करें तो आप जानते हैं LH सर्ज है, तो यहाँ पर LH हार्मोन आ जाता है। और डी जो है, आप जानते हैं कि डी वाला जो पार्ट जहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है वो ल्यूटियल फेज है, और ल्यूटियल फेज में आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है। किसकी वजह से वो होता है? कॉर्पस ल्यूटियम के बनने की वजह से। सो FSH ए आ गया, तो FSH की बात करें तो यहाँ FSH है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ FSH है। फिर बी में हम बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन है, यहाँ प्रोजेस्टेरोन दिया गया है, गलत हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन हुआ। सी के अंदर LH आता है तो LH आया, डी के अंदर प्रोजेस्टेरोन आता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी,
तो यहां पर फिर से स्टेटमेंट बेस एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है एक, और वो ऑर्डर जो है वो स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा, यानी ऊपर दर्शाई गई घटनाएं जो हैं, इवेंट्स जो हैं, उनका सही ऑर्डर क्या होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स। यहां पर कहा गया है कि आर्थ चक्र की जो ल्यूटियल अवस्था है उसके अंतिम सप्ताह में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। हम जानते हैं कि जो ल्यूटियल अवस्था होती है वो दो सप्ताह की होती है, दो सप्ताह यानी 14 दिन की, ठीक है। ये फिक्स होते हैं डेज, यानी ना इससे ज्यादा होती है ल्यूटियल फेज और ना ही इससे कम होती है। ल्यूटियल फेज जो होती है वो 14 दिन की होती है अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमन की हम बात करते हैं तो। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि अंत में जाने के बाद LH जो होता है उस LH हार्मोन की वजह से, क्योंकि LH हार्मोन जो है उसमें गिरावट होगी और गिरावट होने से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है। सो फर्स्ट जो है इवेंट होगा क्या कि LH हार्मोन जो है उस LH हार्मोन की कमी की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है। सेकंड इवेंट क्या होगा, इससे अपन जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसके लेवल में गिरावट आएगी। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल में क्या होगी, गिरावट होगी। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल में गिरावट होगी तो हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम की मोटाई को या उसकी जो थिकनेस उसको मेंटेन करने का ये काम करता है प्रोजेस्टेरोन। सो एंडोमेट्रियम जो है वो लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं रह पाएगा, बिल्कुल सही कहा इसने, वो लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं रह पाएगा। इसके अलावा फिर लास्ट में क्या होना है, आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियम टूटेगा और एंडोमेट्रियम के टूटने की वजह से जो है वो क्या स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। सो 3-1-4-2, तो ऐसा ऑप्शन अपन जानते हैं, सेकंड जो अपना ऑप्शन है उसमें मैच कर रहा है 3-1-4-2, ये करेक्ट ऑर्डर हो गया लास्ट वीक में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ओके, अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है ट्रू स्टेटमेंट, यानी हमें दिए गए कथनों में से सही कथनों का चुनाव करना है। तो दिए गए कथनों में से सही कथन हमें चुनने हैं, चलिए कथन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी। यहाँ पर कहा गया कि ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, हम जानते हैं कि इसके दुष्प्रभाव बहुत ही कम होते हैं, दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। पर्पज ऑफ ट्यूबेक्टमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन। यहाँ पर बोला गया है कि ट्यूबेक्टमी का मुख्य उद्देश्य जो है वो अंड निर्माण को रोकना है, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर फीमेल के अंदर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है या ट्यूबेक्टमी की जाती है तो उससे उसके आर्तव चक्र पर या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां पर सिर्फ युग्मक जो है, गैमेट्स जो है, उनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा क्योंकि हम फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट जो है उसमें बोला गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज प्रोजेस्टेरोन। बिल्कुल, मुंह से ली जाने वाली जो गोलियां होती हैं उनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। सो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। यहाँ पर बोला गया है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो अंडोत्सर्ग को रोककर जन्म नियंत्रण में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब लेवल ज्यादा होगा तो इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से, या सुर आप यूं कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब उस फीमेल के ब्लड में सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो LH हार्मोन का सिंथेसिस सिक्रेशन नहीं हो पाएगा या फिर इनहिबिट हो जाएगा, तो इससे ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। जेनाइटल वोर्ट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोज बाई पेपिलोमा वायरस। यानी जेनाइटल वोर्ट्स जो होते हैं, जननिक मस्से, वो एक यौन संक्रमित रोग है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ही वो होता है। इन इंडिया देर इज रैपिड डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। इंडिया के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 6 जो है वो करेक्ट है। सो 3, 4, 5, 6 ये सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन चला जाता है कौन सा, 3rd। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ।
यानी इनबोर्न इम्यूनिटी की बात की गई है, और आप जानते हैं कि जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स सारे के सारे जो हैं वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बनाते हैं। तो स्किन आपका जानते हैं कि एक फिजिकल बैरियर है, म्यूकस मेम्ब्रेन एक फिजिकल बैरियर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में चला जाता है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PML पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी बात करें अगर अपन न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स आप जानते हैं कि उनका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड होता है, इसलिए हम उसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। और नेचुरल किलर सेल, ये दोनों सेल जो है वो सेलुलर बैरियर बनाती हैं। साइटोकाइंस, साइटोकाइंस की अगर बात करते हैं तो साइटोकाइंस वो केमिकल्स होते हैं जो एक सेल के लिए मैसेंजर का काम करते हैं। तो ये तीनों ही जो है वो अपनी बॉडी के अंदर बर्थ के टाइम से होते हैं। सो ए बी एंड सी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती हैं एलर्जी के टाइम। हम जानते हैं कि एलर्जी के टाइम जो एंटीबॉडी बनती है वो IgE टाइप की होती है, क्योंकि IgA एंटीबॉडी आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल में मिलता है, IgG एंटीबॉडी वो होता है जो प्लेसेंटा का क्रॉस करता है, ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी जिसके साथ सबसे ज़्यादा पैराटॉप्स होते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा एंटीजन को जोड़ने के लिए बंधन स्थल होते हैं। तो हमसे तो यह एलर्जी के बारे में पूछा गया है, सो ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोथ हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर, हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों ही क्या है। हम जानते हैं कि दोनों ही जो हैं वो वायरल डिजीज हैं। दोनों ही कौन सी डिजीज हैं, वायरल डिजीज, लेकिन दोनों का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, और इसके अंदर हम जानते हैं एड्स में HIV जो वायरस है उसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका डीएनए है, इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, कॉज बाय रेट्रोवायरसेस, जी नहीं, ये रेट्रोवायरसेस से नहीं होता है। क्यूरेबल STDs, गलत बात, हेपेटाइटिस बी और एड्स, इसके अलावा जेनाइटल जो है हर्पीज, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे नॉन क्यूरेबल है। तीन डिजीज हमको पता है कि नॉन क्यूरेबल हैं, जबकि यहाँ पर इनके बारे में क्या बोला गया है कि इनका इलाज या ये उपचारित हो सकती हैं, तो उपचारित होने वाली STD नहीं है, पहला वैसे ही गलत हो गया हमारा। कोजेनाइटल डिजीज, क्या ये जन्मजात रोग है, जी नहीं, ये जन्मजात रोग नहीं है, ये रोग जो है वो एक्वायर्ड होते हैं, ये संपर्क में आने की वजह से फैलते हैं। ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, बिल्कुल सही बात की गई, ये फोर्थ ऑप्शन दोनों के लिए सही है कि हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों जो होते हैं वो फैलते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं संचरित होते हैं, अगर जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर किसी भी हेल्थी बॉडी में चला जाए या फिर उसके कॉन्टेक्ट में आता है सीरिंज वगैरह की वजह से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट वेराइटी, नॉट इम्पोर्टेंट सॉरी, दैट इज इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ चिकन, यानी इनमें से कौन सा एक चिकन की उन्नत किस्म है। मुर्गे वगैरह जो होते हैं उनकी उन्नत किस्म के बारे में बात की गई है। जर्सी आप जानते हैं गाय का है, गलत हो गया। लेगहॉर्न की बात करें तो मुर्गे का है, सही हो गया। बाकी क्या देखना, जब लेगहॉर्न दे ही रखा है तो ऑप्शन चला जाता है। नीचे वाले जो है वो क्रॉप्स के रिगार्डिंग आ जाती है, जैसे कि हिमगिरी आ गया, कल्याण सोना आ गया, ये सारे के सारे जो है आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेराइटीज हैं। इम्प्रूव्ड वेराइटीज की बात यहाँ पर की गई चिकन के लिए, और चिकन के लिए सेकेंड ऑप्शन लेगहॉर्न जो है वो एक इम्प्रूव्ड वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टाइप एंड नंबर ऑफ बाइसेप मसल इन ह्यूमन बॉडी, मानव में बाइसेप पेशी का प्रकार क्या है और संख्या क्या है। तो भैया सिंपल सी बात है, बाइसेप्स की अगर हम बात करते हैं तो बाइसेप्स जो होती हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स का मतलब वो पेशियां, वो मसल्स जो स्केलेटल कॉम्पोनेंट से अटैच हैं, प्लस ये स्ट्राइटेड हैं। यानी हमसे बात यहाँ पर ये की गई, पहले हमें प्रकार बताना है, बाइसेप कहाँ होती है, हाथ में, यहाँ पर बाइसेप होती है, दोनों हाथों में एक एक है। ठीक है, सो पहली बात तो ये स्केलेटल मसल है, कंकाल पेशी है, तो स्केलेटल मसल फर्स्ट ऑप्शन में है। स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल हार्ट में होता है, इन्वॉलेंट्री मसल्स जो है वो स्मूथ मसल्स का ही दूसरा नाम है नेचर के बेसिस पर, तो ये गलत हो गया। टू पेयर्स एंड टू पेयर्स, बाइसेप मसल ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है वो दो पेयर में होते हैं। ठीक है, तो बात बिल्कुल यहाँ पर सही चली जाती है। तो बेटा ऑप्शन चला गया इसमें कौन सा, स्केलेटल मसल एंड टू पेयर वाला। चलिए जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इन एडल्ट ह्यूमन बींग द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू,
एक वयस्क मानव में, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, वयस्क मानव में कशेरुक दंड के अंदर कशेरुकाओं के बारे में यहां से पूछा गया। हम जानते सर्वाइकल यानी गर्दन वाले भाग के अंदर इनका नंबर 7 होता है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ठीक है। यहां पर 12 दे रखा है, यहां पर 7 दे रखा है, यहां पर 7 दे रखा है। थोरेक्स पार्ट के अंदर 12 होती है, बिल्कुल सही बात है, यहां 12 दे रखी है, यहां पर भी 12 दे रखी है, तो ऑप्शन ये सेकंड तो पहले ही कट चुका है। लंबर वाले पार्ट में कमर वाले हिस्से में 5 होती है, यहां पर 1 दे दिया गलत हो गया, यहां पर 1 दे दिया गलत हो गया। सेक्रल ये 1 होती है और ये फ्यूज्ड होती है यानी फ्यूजन से बनती है, 5 वर्टिब्रा जो होती है उनके फ्यूजन से ही बनता है। कोक्सियल वर्टिब्रा इसका नंबर 1 होता है, ये भी फ्यूजन से बनता है, 4 वर्टिब्राएं जो होती हैं उनके फ्यूजन से ये बनता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल, इंक्रीज्ड बेसिक मेटाबॉलिक रेट एंड डिक्रीज वेट लॉस, और डिक्रीज वेट सॉरी या वेट लॉस कह दीजिएगा। एक विकार जिसके लक्षण है नेत्र गोलक का बाहर की ओर निकलना, बड़ी हुई बेसिक मेटाबॉलिक रेट और वजन का कम होना। हम जानते हैं कि एक्सोथेलेमिक गोइटर जो होता है उसके लक्षण है किसकी वजह से होते हैं, हम जानते हैं हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म जब होगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फटिग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। हम जानते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के कैरेक्टर्स हैं, किसके हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस के। एक विकार जिसके लक्षण है थकान, कंकाल पेशी का कमजोर होना या पक्षघात, ये हम जानते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए असत्य है, बिल्कुल सही बात है। तथा कथन दो, हाइपोथायरोडिज्म के लिए सत्य है, गलत हो गया बेटा। क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, लेकिन फर्स्ट तो माइस्थेनिया ग्रेविस है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल यहां पर तो ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट फॉर हाइपोथायरोडिज्म, तो ये गलत हो गया। सेकंड में बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट फॉर ग्रेव डिजीज, गलत हुआ। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट फॉर, इनकरेक्ट यहां पर दे दिया माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्रेव डिजीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी, देख लेते हैं जरा। कथन एक और दो क्रमशः माइस्थेनिया ग्रेविस एवं ग्रेव रोग के लिए असत्य हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमें यह तो पता लग गया कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस का है और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो किसका है, ग्रेव डिजीज का है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन में क्या बोला गया है कि पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ग्रेव डिजीज के लिए गलत है, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट माइस्थेनिया ग्रेविस का नहीं है तो सही ही नहीं है, वो गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ग्रेव डिजीज का स्टेटमेंट नहीं है, वो माइस्थेनिया ग्रेविस का है, इसलिए वो भी गलत हुआ। तो स्टेटमेंट यहां पर जो है इसके लिए थर्ड ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, लेकिन फोर्थ फिर से चेक करते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म, गलत हो गया जी। तो इसमें आंसर चला जाएगा कौन सा, तीसरा। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट ग्रेव डिजीज का है, दूसरा स्टेटमेंट माइस्थेनिया ग्रेविस का है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है किसके लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है किसके लिए, ग्रेव डिजीज के लिए, बात सही है, तो थर्ड ऑप्शन में ऐसा मैचिंग कर रहा है हमारा। नेक्स्ट बढ़े, हार्मोन ऑक्सीटोसिन एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्जोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है उस हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन बनता है, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये ऑक्सीटोसिन एक्सोन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है किसके अंदर, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, किसमें चला जाएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा मैच करता है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते चलिए। तो यहां पर क्या बोला गया, एस वन में क्या मैच कर रहा है, हाइपोथैलेमस ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड गलत है, न्यूरोहाइपोफाइसिस सॉरी हाइपोथैलेमस सही है और हाइपोथैलेमस सही है। तो
फिर देखें एस टू पोर्टल सर्कुलेशन गलत है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों कट गए। थर्ड ऑप्शन में बात करें तो पोर्टल सर्कुलेशन दे रखा गलत हुआ, एक्जोनली ट्रांसपोर्ट होता है, एक्जोन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस भी दे रखा है, ऑप्शन चला जाएगा कौन सा, फोर्थ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बनता है। एक्जोन्स के द्वारा कहां पर पहुंचेगा, एक्जोन्स के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचेगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है, एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ओके, ठीक है। ये हमसे कह रहे हैं कि कौन सा वो है हार्मोन जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। हम जानते हैं आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन यानी T3 एंड T4 की बात की जाए तो ये बिल्कुल सेल के अंदर जाकर इंटरेक्ट करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये आप जानते हैं कि स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है, कौन सी नेचर का, स्टेरॉइड नेचर की। स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन भी सेल के अंदर जा सकते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होता है उनके साथ बाइंड होते हैं। एपिनेफ्रिन, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, ये नहीं करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ जुड़कर काम करता है। प्रोजेस्टिरोन, ये भी स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है, और आप जानते हैं स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ जुड़कर काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन चला जाता है बेटा कौन सा, थर्ड, वो सेल की मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ जुड़कर काम करता है, ना कि सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ जुड़कर काम करेगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को पहचानिए। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑफ ब्लड हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस, रुधिर की एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रासरण संतुलन में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट इम्यूनेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, न्यूट्रोफिल्स सभी रुधिर कोशिकाओं में से सबसे अधिक होती हैं। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए न्यूट्रोफिल्स जो है वो WBC है, और आप जानते हैं इसका परसेंटेज है कितना, 60-65%। लेकिन ये जो 60-65% है ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का है, और आप जानते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, 6000 से 8000 पर mm³, 6000 से 8000 पर mm³। लेकिन इसमें बोला गया है कि ब्लड में जो सेल्स होती है उनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होती है, गलत बात। आरबीसी का नंबर आप जानते हैं 5 से 5.5 मिलियन होता है, तो सबसे ज्यादा कौन होता है, आरबीसी। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल ब्लड एंड मदर ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, बिल्कुल सही बात है। प्रेगनेंसी के टाइम फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आता, वो सेपरेट रहते हैं। द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यू फ्लूड एंड प्लाज्मा इज द सेम, बिल्कुल सही बात है। जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके टिश्यू फ्लूड का, जिसे आप आगे चलकर लिम्फ कहते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हो कि टिश्यू फ्लूड के बारे में यहां पर बात की, लिम्फ के बारे में बात की जाती थोड़ा हम और सोचते, लेकिन प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूड प्लाज्मा ही है जो कि आपकी कैपिलरी से बाहर आया है। सो स्टेटमेंट ये भी क्या है, करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट की बात की गई थी, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाना है, ठीक है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बढ़े आगे। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट इन ए कार्डियक साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डज नॉट पॉसिबल, ओके, कार्डियक साइकिल में इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जरा देखते हैं कौन कौन से सीक्वेंस बन रहे हैं। एट्रियल डायस्टोली, वेंट्रिकुलर सिस्टोली, एवी वॉल क्लोज, सेमिल्यूनर वॉल ओपन, एट्रियल सिस्टोली, सेमिल्यूनर वॉल क्लोज, वेंट्रिकुलर डायस्टोली, एवी वॉल ओपन। हम जानते हैं सारे के सारे कि इसे अगर समझना है तो सिंपली हम तीन इवेंट्स में समझ सकते हैं। एट्रियल सिस्टोली, आलिंदों में संकुचन जब होगा, तो आप जानते हैं आलिंदों में संकुचन होगा तो उससे पहले एवी वॉल क्या है, ओपन, एवी वॉल क्या है, ओपन, ठीक है, एवी वॉल क्या है, ओपन। एट्रियल सिस्टोली, एवी वॉल ओपन है, सेमिल्यूनर वॉल कैसे है, क्लोज। उसके बाद जब वेंट्रिकुलर सिस्टोली होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोली होने पर आप जानते हैं एवी वॉल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज, एवी वॉल क्या हो जाते हैं, क्लोज, और सेमिल्यूनर वॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन। उसके बाद स्टार्ट होता है जॉइंट डायस्टोली, जॉइंट डायस्टोली की जब शुरुआत होती है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सेमिल्यूनर वॉल क्या हो जाएंगे, क्लोज, और एवी वॉल जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन। तो यहाँ पर कौन सा पॉसिबल नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिए जॉइंट डायस्टोली के बारे में तो कहीं वर्ड दिया नहीं गया है, तो जॉइंट डायस्टोली तो हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी किससे,
एट्रियल सिस्टोली से। तो एट्रियल सिस्टोली पॉसिबल है, एट्रियल सिस्टोली के बाद आप जानते हैं क्या होना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोली। इसके अलावा जब वेंट्रिकुलर सिस्टोली होता है तो इससे एवी वॉल क्या रहते हैं, क्लोज, एवी वॉल क्लोज है, सेमिलूनर वॉल क्या रहेंगे, ओपन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोली जब होता है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोली होने पर आप जानते हैं सेमिलूनर वॉल क्या हो जाते हैं, क्लोज, और एवी वॉल क्या हो जाते हैं, ओपन। तो ये सेकेंड तो करेक्ट बेहतर है। फर्स्ट को देखें तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोली, ठीक है। एट्रियल सिस्टोली होने के बाद अगर हम बात करें कि एट्रियल जब सिस्टोली होगा तो एवी वॉल ओपन है, तो एवी वॉल जो है वो तो पहले से ही ओपन है, एट्रियल सिस्टोली होने पर वो ओपन नहीं होता, वो पहले से ओपन है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एच आया तो सिक्वेंस खराब हुआ, सिक्वेंस खराब हुआ तो ये सिक्वेंस पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन में आप जानते हैं वेंट्रिकुलर जब डायस्टोली होगा तो इस कंडीशन में सेमिल्यूनर वॉल क्लोज रहेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोली सेमिल्यूनर वॉल क्लोज है। फिर नेक्स्ट की बात करें कि अगर एवी वॉल ओपन है तो एवी वॉल ओपन होने का मतलब है कि क्या हुआ है, एट्रिया का उसके बाद सिस्टोली होना है, बिल्कुल सही बात है। फिर वेंट्रिकुलर जब सिस्टोली होना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोली होगा तो आप जानते हैं कि एवी वॉल क्या होगा, क्लोज होगा, एवी वॉल क्लोज हुआ और सेमिलूनर वॉल ओपन हुआ। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में ही ये पता लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर चला जाता है। ये तो कार्डियक साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कब कौन सा वॉल ओपन होना और कब कौन सा वॉल क्लोज होना है। फीमेल हेटेरोगेमी फाउंड इन, यानी वो कंडीशन जिसके अंदर एक मादा जो होती है वो क्या करती है, एक्चुअली वो सेक्स डिटर्मिनेशन करती है। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, एक तो ऐसा इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है और दूसरा ऐसा देखने को मिलता है किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। ऐसा कोई ऑप्शन है तो चूज कर लेते हैं, चलिए ह्यूमन में नहीं होता, मेल हेटेरोगेमिटी होती है। ड्रोसोफिला ठीक है, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, बर्ड्स ठीक है, बटरफ्लाई इंसेक्ट ठीक है, ये हुआ, थर्ड ऑप्शन चला जाता है यहाँ पर, ह्यूमन गलत हो गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा गलत है क्योंकि वहां पर फीमेल हेटेरोगेमिटी देखने को नहीं मिल रही है, बट यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में बर्ड्स और बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट दोनों के अंदर फीमेल हेटेरोगेमिटी देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। कंसीडर द फॉलोइंग डीएनए कोडोन फॉर ग्लाइसिन एमिनो एसिड। यहां पर नीचे जो है वो डीएनए कोडोन्स दिए गए हैं ग्लाइसिन एमिनो एसिड के लिए, इन ए चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ एंजाइम एम। एंजाइम एम जो है उसके बनने के लिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके लिए जी जी यू, जी जी सी, जी जी ए एंड जी जी जी। ड्यूरिंग पॉइंट म्यूटेशन कोडोन जी जी यू चेंज इन जी जी ए। ओके, जी जी यू जो है वो जी जी ए में चेंज हो गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज करेक्ट फॉर दिस म्यूटेशन। तो देखिए भैया, अब जी जी यू ये भी एक कोडोन है ग्लाइसिन एमिनो एसिड के लिए और जी जी ए ये भी एक कोडोन है ग्लाइसिन एमिनो एसिड के लिए, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई चेंज नहीं होना ग्लाइसिन एमिनो एसिड के बनने की सीक्वेंस में, यानी इससे बनने वाला एंजाइम जो है वो नॉर्मल एंजाइम होगा, ठीक है। तो देखें जरा, ए नॉन फंक्शनल एंजाइम एम इज फॉर्म, नहीं गलत है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड बन रहा है, नो एंजाइम इज फॉर्म गलत हो गया क्योंकि बन रहा है एमिनो एसिड, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम एम इज फॉर्म, एंजाइम वैसे नॉर्मली बनना है इसके अंदर, लेस एफिशिएंट दिया है। तो देख लेते हैं जरा फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, मॉडिफाइड एलील इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, गलत बात हो गया जी, मॉडिफाइड एलील जो है वो इक्विवेलेंट है किसके साथ, अनमॉडिफाइड एलील, क्योंकि वो सेम का सेम एंजाइम बना पा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर चला जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है यहां पर, कौन सा म्यूटेशन हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स टुगेदर एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड। जो कैलिक्स होते हैं उनमें निम्न में से कौन एक साथ संयुक्त होकर मध्यांश पिरामिडों के द्वारा वृक्ष त्रोणी में खुलते हैं। तो भैया देखिए, कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं अलग अलग नेफ्रॉन की, जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स, वो कलेक्टिंग डक्ट्स एक साथ में जुड़कर क्या बनाती हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो मेडुलरी पिरामिड के थ्रू, किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू रीनल पेपिला में ओपन होता है, रीनल पेपिला में, और रीनल पेपिला जो है वो यहां पर रीनल पेल्विस में, ठीक है।
तो पीसीटी पीसीटी कभी भी संयुक्त नहीं होती है, डीसीटी भी संयुक्त नहीं होती है, कलेक्टिंग डक्ट संयुक्त होता है, हेनले लूप जो होते हैं वो भी संयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन चला जाता है बेटा कौन सा, थर्ड। यहां पर आपको सीक्वेंस बताया, कलेक्टिंग डक्ट, डक्टो बेलिनी, रीनल पेपिला और रीनल पेल्विस, फिर रीनल पेल्विस से आगे यूरेटर्स आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है, गलत कथन का जो है हमें चयन करना है। पहला कथन क्या दिया है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। गलत हो गया, वो तो सोल्ट्स के लिए परमिएबल होता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। यहां पर क्या बोला गया है, हेनले लूप के आरोही भुजा की उपकला कोशिकाएं जल हेतु पारगम्य नहीं, वो जल हेतु अपारगम्य होती हैं, तो गलत हुआ। वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन द मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स का मतलब कोर्टिकल नेफ्रॉन, जिनका परसेंटेज टोटल नेफ्रॉन का 85% होता है, 85%, तो ये बिल्कुल सही बात है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफ्रिएंट आर्ट्रियोल, बिल्कुल। यहां पर अगर बात करें हम तो एफ्रिएंट आर्ट्रियोल जो होती है वो ब्लड लेकर आती है, और जो एफ्रिएंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड को यहां से दूर लेकर जाती है ग्लोमेरुलस से, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, जिसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल जो है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसका मतलब वो टफ कैप्सूल है। गलत पूछा गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहां पर। चले नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली, मानव में एक्स जोड़ी पसलियों में से केवल वाई जोड़ी अवास्तविक पसलियां हैं, यानी एक्स कितना हुआ 12 जोड़ी, ठीक है। अवास्तविक यानी फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं, 3 पेयर्स, कितना होता है 3 पेयर्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू एक्स एंड वाई एंड प्रोवाइड देयर एक्सप्लेनेशन। एक्स कितना है 12 है, वाई कितना है 3 है, गलत हुआ। एक्स कितना है 12 है, वाई कितना है 3 है, यहां तक ठीक है। एक्स कितना 24, ये गलत हुआ। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फॉल्स रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट विद द स्टेरनम डायरेक्टली, बिल्कुल हम जानते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवंथ, यानी प्रथम 7 जोड़ी पसलियां, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स जो होते हैं वो स्टेरनम के साथ सीधे जुड़ते हैं, लेकिन 8th 9th और 10th ये 3 पेयर जो हैं रिब्स के, ये स्टेरनम के साथ सीधे नहीं जुड़ते, ये जुड़ते हैं बेटा 7th रिब जो होती है उसके कार्टिलेज पार्ट के साथ, देन वो कनेक्ट रहती हैं स्टेरनम के साथ, इसलिए हम उनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। द टाइप ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़कर। नाक की नोक में पाए जाने वाला कंकाली संयोजी उत्तक का प्रकार सभी में पाया जाता है एक को छोड़कर, सभी में पाया जाता है एक को छोड़कर। तो टिप ऑफ नोज के अंदर आप जानते हैं कार्टिलेज होती है, क्या होती है कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो दो वर्टिब्रा है वर्टिब्रल कॉलम की, उनके बीच में आप जानते हैं कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दो कशेरुकाओं के बीच के अंदर एक चकती होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, वाइट फाइबर्स कार्टिलेज की। एपिग्लोटिस खुद एक कार्टिलेज है। आउटर ईयर जॉइंट, जो ईयर के आउटर जॉइंट है उन पर भी कार्टिलेज पाई जाती है। टेंडोन, तो टेंडोन की बात करें तो ये एक एग्जाम्पल है, टेंडोन एक एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें आप जानते हैं कि कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर, कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। सो यहां पर ऑप्शन चला जाता है कौन सा, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द गिवन फिगर द टीथ्स आर एम्बेडेड इन ए बोन, दिस बोन इज, नीचे दर्शाए गए चित्र में दांत एक अस्थि में स्थित हैं, ये अस्थि कौन सी है। तो ऐसे तो इसका नहीं पता लगेगा कि अस्थि कौन सी है, लेकिन इसके नीचे लाइन जो लिखी है उसको पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द अपर जो, अपर जो ऑन वन साइड एंड द सॉकेट्स ऑन अदर साइड। यहां पर बोला गया है कि बेटा ये ऊपरी जबड़े में एक और हनु में विभिन्न प्रकार के दंत विन्यास और दूसरी ओर हनु गर्तिकाओं को दर्शाया गया है, मतलब ये ऊपरी जबड़े की बोन है, अपर जो की बोन है, ठीक है।
अपर जो की बोन आप जानते हैं उसका नाम है मेगजिला। क्या नाम है? मेगजिला। मेगजिला का नंबर होता है कितना? 2। और जो लोवर जो है, निचला जबड़ा, उस निचले जबड़े के अंदर जो बोन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेंडिबल। क्या कहते हैं उसको अपन? मेंडिबल। सो ऑप्शन चला जाएगा इसके अंदर कौन सा? मेगजिला। आपके आंसर की में शायद ऑप्शन थर्ड है इसका, वो की करेक्शन है, तो उसे इसके अकॉर्डिंग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट ह्यूमन आई। मानव आंख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? द कोरोलरी इज थिक ओवर द पोस्टीरियर 2/3 पार्ट। लेकिन आप जानते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट पर ये थिक नहीं होती। कैसी होती है? थिन होती है। तो पहला गलत है। ठीक है, देखें जरा। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइड की परत मोटी, मोटी नहीं, वहां पर कैसी होती? पतली। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस द एपर्चर सराउंडेड बाय द आयरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ आयरिस। बिल्कुल सही बात है। लेंस के सामने आयरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, और प्यूपिल को घेरे का नियंत्रण आयरिस के पेशी तंतु करते हैं। उसका बड़ा होना, छोटा होना, यानी माइड्राइसिस और माइटासिस। ठीक है। द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल इंटर इट एट ए पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बोन। फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। द्रक तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुवी के ऊपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिका इस भाग में नहीं होती, इसलिए अपन उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या बोला गया कि कितने कथन सही हैं? तो पहला गलत है, बाकी 2 सही हैं। तो ऑप्शन चला जाएगा कौन सा? सेकंड। 2 कथन यहाँ पर सही है। चूज द इनकरेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट ह्यूमन। इनकरेक्ट मैच ए सुमेलित का चयन कीजिए। ग्लोटिस आप जानते हैं, ग्लोटिस जो होता है वो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है और उसको ढकने का काम किसका होता है? एपिग्लोटिस का। बिल्कुल सही बात है। एल्वोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल, आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, और एल्वोलाई और उसकी डक्ट जो होती है वो एक्सचेंज यानी गैसों का एक्सचेंज करने वाले पार्ट में ही इन्वॉल्व होती है। प्लूरल फ्लूड, ये भी सही है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है। प्लूरल फ्लूड आप जानते हैं लंग्स जो होते हैं उनके चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं, और 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूड होता है जो क्या करता है? ब्रीथिंग के टाइम फ्रिक्शन को कम करता है। यहां पर क्या बोला गया है? इंक्रीज फ्रिक्शन ऑन द लंग्स। इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, तो ये गलत हुआ। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नॉट सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। हम जानते हैं ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल। प्रारंभिक श्वसनिका तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, आगे नहीं होती हैं। तो यही यहां पर बोला कि आगे नहीं होती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर नहीं है। सही बात। तो गलत हुआ कौन सा? तीसरा। ओके, नेक्स्ट। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इन एन हेल्थी इंडिविजुअल अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज अबाउट। आप सभी जानते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए, 125 ml। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको सिलेक्शन करना है, यहाँ पर गलत कथन को आपको चुनना है। सब्सटेंसेस आर रिटर्न टू द ब्लड फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाई री एब्जॉर्प्शन। पुनर्अवशोषण द्वारा पदार्थों को निश्चंदन से रक्त में लौटा दिया जाता है। सही बात है। चपटे कर्मियों में उत्सर्जन के लिए प्रोटोन एफ्रीडिया या फिर हम कहें फ्लेम सेल्स। ठीक है, फ्लेटफॉर्म पोजेस प्रोटोन एफ्रीडिया फॉर एक्सक्रिएशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। पीसीटी एच प्लस या हाइड्रोजन के चयनात्मक स्त्राव और उसके बाइकार्बोनेट आयनों के अवशोषण के द्वारा शरीर के तरल पदार्थों के पीएच को बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूड बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ एच प्लस एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम इट। ये भी सही है। नेक्स्ट देखें, हेनले लूप की आरोही भुजा में पुनः अवशोषण अधिकतम होता है। जी नहीं, यहाँ पर न्यूनतम होता है। ये गलत हो गया। रीअब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम नहीं मिनिमम होता है। गलत पूछा था, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते। इन कॉकरोच ऑक्सीजन इज मेनली कैरी टू द टिश्यू डायरेक्टली बाई। कॉकरोच में ऑक्सीजन प्रत्यक्ष रूप से सीधे उत्तकों तक किसके द्वारा पहुंचाई जाती है?
तो आप जानते हैं कि हीमोलिम्फ जो होता है इसके अंदर श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, तो इसका कोई रोल नहीं होता गैसेस के एक्सचेंज में। ट्रेक्यूल्स, बिल्कुल ट्रेक्यूल्स जो होती हैं स्पाइरेसल होता है, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रांच में डिवाइड होती हैं वो, और ट्रेक्यूल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? ट्रेक्यूल्स। तो ट्रेक्यूल्स के थ्रू डायरेक्ट सेल्स या टिश्यूज तक एयर जाता है, यहाँ ये ठीक है। बॉडी सरफेस, शरीर सतह यहाँ नहीं होता, मेल पिगी ट्यूब्यूल एक्सक्रिएशन में होती है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सेक्शन बी में देखें चले। तो सेक्शन बी में 186 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है मैच करना है, तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। आप सभी जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलपमेंट अबाउट 18,000 ईयर्स पहले हुआ था, लगभग 18,000 वर्ष पूर्व ये हुआ था। डायनासोर डिसअपियर हो गए थे 65 मिलियन वर्ष पूर्व, तो यानी यहाँ आ गया फोर्थ। एग्रीकल्चर लगभग 10,000 साल पहले आया था, और जावा मेन की बात करें तो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो बेटा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन चला जाएगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, कितने कथन सत्य हैं? एक कोशी के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व स्लोली इनटू मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बिल्कुल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए स्लोली मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है जी। इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व अराउंड 5 बिलियन ईयर्स अगो, ये गलत हुआ। जोलेस फिश मस्ट हैव इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फर्स्ट मेमल वर लाइक श्रू, ठीक है। कितने स्टेटमेंट सही हो गए भैया? एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार में से एक गलत है, तीन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन इज और आर करेक्ट फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में क्या सही है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर बात की जाए तो क्या वो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड एरियाज के अंदर रहते थे? तो बिल्कुल, ईस्ट अफ्रीका जो है, पूर्वी अफ्रीका, उसके घास के मैदान में आपको मिलते थे कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, वो जो है वो पत्थर के औजारों से शिकार करते थे, बिल्कुल सही बात है। दे असेंशियली एट फ्रूट्स, बिल्कुल वो फ्रूट्स ही खाते थे, फल बक्सी थे। कपाल क्षमता 650 से 800 क्यूबिक क्यूब थी जी। ओहो, कि ये गलत हो गया, तो सही पूछा गया था, तो ए बी और सी, ए बी सी डी, ए सी डी, गलत गलत गलत, ये हो गया कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, सही बात है। डार्विन जो था उसके प्रमुख कारण जो थे सिद्धांत के, वो साकनी अवरोहण और प्राकृतिक चयन था। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण किसी पृथक जैव भौगोलिक भूभाग पर स्थित होती हैं तो उसे अपसारी उद्विकास कहा जा सकता है। व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अकर्स इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरियाज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जगह आ जाते हैं, तो इससे तो हम कन्वर्जेंट कहते हैं, लेकिन एक से ही अगर हम बात करें, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर रेडिएशन होता है, तो इसको वो हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ये भी ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, देखे जरा दोबारा से पढ़ते हैं। व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अकर्स इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल डाइवर्जेंट, अकर्स इन आइसोलेटेड इज कॉल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, ये गलत हो गया भाई, ये डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात हुई है। बोन्स ऑफ फोरलिम ऑफ वेल बेट टाइगर एंड मैन शो सेम पैटर्न, ठीक है, बात ये ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ये सही है, तो ऑप्शन चला जाएगा कौन सा? फोर्थ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कैंसर डायग्नोसिस कैन बी डन बाई सीटी स्कैन एंड एमआरआई। इतना जल्दी मैंने ऑप्शन क्यों फिल किया? क्योंकि आगे देखो क्या लिखा है, जनरेट इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। भैया सीटी स्कैन एमआरआई
बायोप्सी से होगा नहीं, सीटी स्कैन एमआरआई, सीटी स्कैन एमआरआई, तो ऑप्शन सेकंड तो कट गया पहले। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, आप जानते हैं बोन मेरो है एक तो, और एक है कौन सा, थाइमस। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव वन, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें मैच कर रहे हैं, या स्प्लीन आ गया तो कट गया, या बोन मेरो, थाइमस, लिम्फोसाइट, थर्ड ऑप्शन चला जाता है। आप जानते हैं कैंसर का निदान सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा किया जाता है, जिससे आंतरिक अंगों का चित्र भीतरी अंगों का बिंब बनाता है, बिल्कुल। सीटी स्कैन एमआरआई कर लेता, बायोप्सी नहीं कर पाते, यहाँ ये तीन ऑप्शन अभी तक ठीक है। प्राथमिक लसिकांग में एक तो बेटा अस्थि मज्जा आ जाता है, ठीक है, और दूसरा आ जाता है थाइमस, जहां पर लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन होता है। ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहे हैं, ऐसा ऑप्शन थर्ड मैच कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर चला जाता है। कौन सा ऑप्शन चला जाता है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट चलें, चलिए जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत का चुनाव कीजिएगा, ठीक है, गलत स्टेटमेंट्स को पहचानिएगा, गलत कथनों को पहचानिएगा। द्विसंकर परीक्षण क्रॉस में सभी संततियों का जीनोटाइप और फिनोटाइप समान होता है, तो अज्ञात जीनोटाइप वाला प्रभावी, फिनोटाइप समयुग्मजी प्रभावी है। तो देखिए ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं ना, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर आप टेस्ट क्रॉस करते हैं और जीनोटाइप और फिनोटाइप सभी एक जैसा ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अननोन जीनोटाइप था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, उसको आप कुछ भी मान लीजिएगा, कैपिटल ए मान सकते हो, या कैपिटल डी, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। गोनोरिया, ट्राइकोमोनाइसिस एंड जेनाइटल हर्पीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोज बाई बैक्टीरिया, ठीक है, गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, ट्राइकोमोनाइसिस प्रोटोजोवा से होता है, एंड वायरस से होता है जेनाइटल हर्पीज। सो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ही सही है, ठीक है। गोनोरिया, ट्राइकोमोनाइसिस और जेनाइटल हर्पीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो क्रम से जीवाणु, प्रोटोजोवा और वायरस से होते हैं। आगे लिखा है कटलफिश, कटलफिश जो मोलस्का फाइलम से आते, डेविलफिश ये मोलस्का फाइलम से आते, जेलीफिश, जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश आप जानते हैं स्टार्टिंग में फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस ये आ जाता है आपका मछलियों वाले भाग से, आर फॉल्स फिश, ओके ये फॉल्स फिश नहीं है क्या, ये फॉल्स फिश नहीं है क्या, तो बेटा अगर बात करें ये फॉल्स फिश है या नहीं, इसकी बात यहां पर की जा रही है, बिल्कुल बिलोंग टू थ्री सेपरेट फाइलम, ये तीन सेपरेट फाइलम से बिलोंग करती हैं, तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ऐसा नहीं है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। कटल मीन, डेविल मीन, जेली मीन और उड़न मीन, असत्य मछलियां जो तीन पृथक संघों से संबंध रखती हैं, तीन पृथक संघों से संबंध रखती हैं, तो गलत हुआ ये। अगला बोला गया है ट्रेकिया डिवाइड्स इन द लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ डोर्सल टू फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, बेटा डोर्सल आ गया तो गलत हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेकिया जो होती है वो ट्रेकिया वेंट्रल साइड पर डिवाइड होती है, हाँ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वाले पोजिशन पर डिवाइड होती है, लेकिन वेंट्रल साइड पर डिवाइड होती है, डोर्सल पर नहीं होती, तो दो स्टेटमेंट गलत है, सी और डी, सी और डी, आगे बढ़िएगा। चलिए ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 192, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो कुछ स्टेटमेंट दिए आपको, उनमें से इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, बिल्कुल सही बेटा, डीएनए आरएनए की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है और कम सक्रिय होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, या बोल दो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये की बात है, बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेटली 3×10^9 जीन्स, ये गलत हो गया बेटा, इतनी जीन थोड़ी ना होती है, तो ये डेटा क्या ले लिया उसने, गलत ले लिया, ताकि आप जो है कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो गया, तो आपको ये आंसर करना है, ये बिल्कुल सही है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या है, बेसिस है। चारगाफ रूल का क्वेश्चन आ गया, पक्का आता है बेटा चारगाफ रूल से। उसने बोला कि डीएनए में 20% साइटोसिन है, साइटोसिन कितना है बेटा 20%, तो सिंपल है, ग्वानिन भी कितना होगा 20%, ग्वानिन साइटोसिन कितने हो गए टोटल 40, बचा कितना 60, 60 में 30% एडिनिन
और 30% थाइमिन पूछा क्या है, एडेनिन पूछा है, तो सीधा आंसर करो आप 30%. The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from unequivocal proof. बोले तो सुस्पष्ट प्रमाण किसके एक्सपेरिमेंट से आया था, हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जो कब परफॉर्म हुआ था 1952 में. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लैक ऑपेरोन. जानते हो बेटा लैक ऑपेरोन में जो सिस्ट्रॉन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन है तीन है, जेड वाई ए. जेड किसको कोड करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, सही है. वाई जीन किसको, परमीएज को, सही है. ए जीन किसको, ट्रांस एस्टाइलेज को, ये भी करेक्ट है. आई जीन, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होता बेटा, आई का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा. इनकरेक्ट पूछा है, ये आ जाएगा फोर्थ आंसर. ओके, तो ये क्वेश्चन सारे अपने डिस्कस कर लिए, बाकी जूलॉजी में भी डिस्कस हो गए. ओके बेटा, तो बिल्कुल एग्जाम टाइम आ चुका है, अब बिल्कुल कूल होकर आपको स्टडी करनी है. जितना आपने पढ़ा है उसको बड़े आराम से एक बार वापस से, जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से लेंदी थे, जो थोड़े याद करने के हैं, उनको वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उनको देखें और बिल्कुल अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखें. ओके, ऑल द बेस्ट. ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई बिलोंग टू फाइलम जेड दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिलोमेट सेगमेंट. Worms. X is freshwater monoecious non-caudate, whereas Y is marine and dioecious. ठीक है. जीव X और Y एक संग Z से संबंधित हैं, जो सिलोमेट खंडित कर्मियों की विशेषता है. X एक स्वच्छ जलीय द्विलिंगाश्री अप्रसरज्जु की है, जबकि Y समुद्री और एक लिंगाश्री है. तो सेगमेंटेड में अगर अपन बात करते तो एनेलिडा जो है, उस एनेलिडा में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ऑर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मोलस्का में नहीं होता, एनेलिडा में नहीं होता, हेमिकोडेटा में नहीं होता है. लेकिन यहां पर बात यह की गई है कि एक्स एक फ्रेश वाटर का है और वाई जो है वो एक मैराइन वाटर का है. तो चलिए जरा ऑप्शंस को देखते हैं, एक्स और वाई को कौन फिल कर सकता है. नेरिस की बात करें तो नेरिस जो है वो मैराइन वाटर का है, यानी लवणीय जलीय है. और फेरिटेमा की बात करें अर्थवर्म की, तो आप जानते हैं ये जल में नहीं रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया. हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया की बात करते हैं तो आप जानते हैं फ्रेश वाटर का है. कौन से वाटर का है, फ्रेश वाटर. और नेरिस कौन सा है, मैराइन वाटर. बिल्कुल, हिरुडिनेरिया की बात करें तो आप जानते हैं कि हिरुडिनेरिया एक मोनोसियस है और नॉन कोडेट है, और नेरिस जो होता है वो डायोसियस होता है. तो बेटा यहां पर सेकेंड ऑप्शन अभी ठीक लग रहा है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. एप्लासिया एंड नेरिस, एप्लासिया मैराइन वाटर का आता है, गलत हो गया. फेरिटेमा, तो ऑप्शन चला जाएगा बेटा इसमें कौन सा, सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े. ए पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम एंडोक्राइन सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम. जीआईटी के अंतः स्त्रावी कोशिकाओं से स्त्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन अग्नाशय एंजाइमों के स्त्राव को उत्तेजित करता है. निम्नलिखित में से ऊपर बताए गए हार्मोन को पहचाने और चुने. तो चलिए पहचानते हैं. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड आप जानते हैं, ये गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिन जो होता है, गैस्ट्रिक जूस, उसके रिलेटेड हार्मोन है. ANF आप जानते हैं एक वैसोडाइलेटर होता है. क्या होता है, वैसोडाइलेटर, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो गए. कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन बिल्कुल ये पेनक्रियाज जो है उस पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर काम करता है, और वहाँ से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है उसके सिक्रेशन को प्रमोट करता है. सिक्रीटीन, सिक्रीटीन आप जानते हैं पेनक्रियाटिक जूस के वाटर और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को प्रमोट करता है, लेकिन यहां से एंजाइम के बारे में बात की गई है, तो एंजाइम के लिए चला जाएगा कौन सा, कोलिसिस्टोकाइनिन. 198 में देखें जरे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नर्व इंपल्स कंडक्शन. तंत्री के आवेग संचरण के लिए निम्न में से कौन सा सही है, गलत नहीं पूछा गया, सही पूछा गया. द इनर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन. आप जानते हैं डीपोलराइजेशन के टाइम इनर सरफेस पे नेगेटिव और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव आता है, तो पहला तो गलत है. ठीक है, विध्रुवण के दौरान आंतरिक झिल्ली विभव धनात्मक से ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक से धनात्मक होती है. सोडियम आयंस आर एक्टिवली पंप आउट थ्रू आयन चैनल्स इन एक्सचेंज विद इक्वल नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस. नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि सोडियम आयन जो होते हैं वो इक्वली अमाउंट के अंदर जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं सक्रिय रूप से पंप के द्वारा. आप जानते हो कि 3 सोडियम बाहर जाता है तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तो गलत हुआ. ठीक है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम फॉलो बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. जी नहीं, अगर पोटेशियम बाहर जाएगा
तब उस कंडीशन में इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी गलत हुआ। राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी टू सोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिपोलराइजेशन। अगर हम न्यूरोन जो है उस न्यूरोन पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो इस स्टिमुलस से क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोलेंगे, इसे सोडियम अंदर आएगा, और सोडियम अंदर आएगा तो इनर सरफेस पर कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव, आउटर सरफेस पर नेगेटिव, तो वो होगा डिपोलराइजेशन। और सही के बारे में बात की गई है तो ये क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम का मतलब हो गया टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई, एक मिनट की बात की गई है तो एक मिनट की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट में बेटा सेकंड होती है कितनी, 60, तो टीवी को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 500 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 60 से, तो आ गया 6000 से 8000 ml, तो ये चला गया फोर्थ, तो फर्स्ट में फोर्थ, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1000 से 1100 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो आ गया बेटा 2100 से 2300 ml के आसपास। और फिर आ जाती है बात किसकी, चलिए मैच करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200 ml हो गया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये हो गया 2500 से 3000 ml। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये हो गया कितना, ये कितना हो गया 2100 से 2300 ml। कैसे हम जानते हैं, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया निःशोषण आरक्षित आयतन, ये सामने लिखा ही है, अंतःशोषण आरक्षित आयतन की अगर हम बात करते हैं तो 2500 से 3000 ml आ गया। कार्यात्मक अवशिष्ट आयतन, तो इसमें एक तो आ जाता है ईआरवी प्लस आ जाता है क्या आरवी, ठीक है, तो डी में आ जाता है कौन सा थर्ड, तो फोर सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऐसा ऑप्शन है कौन सा फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए जी आगे बढ़िएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज ए स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बात होगी किसकी, कोरल्स की या फिर मोलस्का से रिलेटेड हो सकता है। ओबेलिया गलत बात है, मेंड्रिना सही बात है, हाइड्रा गलत बात है, प्लेनेरिया गलत बात है, ऑप्शन आ गया सेकंड। ये था आपका पेपर। सो बेटा ये था आपका दंगल नंबर 4, जो आपने आई होप अच्छा किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।